ये क्वेश्चन गेट 2018 में इवनिंग सेशन में आया हुआ है। देखो ये सब क्वेश्चन जितना भी है ये सब शेयर किया हुआ मेमोराइज क्वेश्चन है, तो मतलब इस क्वेश्चन में 100% मतलब श्योर नहीं कि सारा पूरा लैंग्वेज भी मिलेगा। इसमें क्या था, कुछ कुछ डाटा सब मतलब उससे मैच कर पाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन पेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेशन इज 15 kW एंड एसेंट्रोपिक इफिशेंसी ऑफ कंप्रेसर इज 75%। व्हाट इज द पावर ऑफ कंप्रेसर इन किलोवाट। इसमें ये पीएस डायग्राम दिया हुआ है अपने को, पीएस डायग्राम के बाद सारा डाटा दिया हुआ है। इसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ से मतलब कि इंथैल्पी सारे पॉइंट का अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, सारे पॉइंट का क्या करते हैं, इंथैल्पी लिख लेते हैं। देखो S3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S3 इक्वल टू H4 कितना दिया हुआ है, 250 यूनिट जो होगा इंथैल्पी का वो। उसके बाद H1 दिया हुआ है आपका 400, उसके बाद H2 दिया हुआ है आपका 475, यही डाटा दिया हुआ है मतलब। उसके बाद एक अपने को दिया हुआ है मैन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू एम डॉट इंटू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो एम डॉट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना क्या होगा, H1 - H4, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया हुआ है 15 kW। H1 का वैल्यू कितना था अपना, 400 माइनस H4 का 250, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 150। तो यहाँ से आप एम डॉट फाइंड कर सकते हैं, एम डॉट कितना हो गया आपका, 15/150 मीन्स 0.1 kJ, सॉरी kg/s, kg/s। इसके बाद यहाँ से अपन यहाँ से क्या करेंगे, पावर फाइंड कर लेंगे। पावर क्या होता है, किलो वाट में मीन्स पावर ही है, एम डॉट इंटू वर्क इनपुट। तो एम डॉट आपका फाइंड कर लिए, 0.1 इंटू वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, H2 - H1। वैल्यू पुट करें, H2 कितना दिया हुआ आपका, 475 माइनस 400। तो यहाँ से आपका हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7.5 kW। ये तो अपना ये कंप्रेसर का क्या हुआ, एसेंट्रोपिक पावर निकला। तो ये अपना आंसर नहीं होगा, कुछ जो यही आंसर निकाल के मतलब यहीं पे रुक गया होगा, जो कि आंसर गलत है। इसे एक स्टेप आगे था, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर कितना था, 75%। इसको आप लिख सकते हैं 0.75 इक्वल टू एसेंट्रोपिक वर्क अपॉन एक्चुअल, एसेंट्रोपिक वर्क अपना कितना है, 7.5 अपॉन एक्चुअल एक्चुअल वर्क। तो यहाँ से आप एक्चुअल वर्क फाइंड कर सकते हैं, वर्क एक्चुअल इक्वल टू 7.5 अपॉन 0.75। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 kW। यहाँ पे क्या एसेंट्रोपी एक्चुअल वर्क क्या किलोवाट में, डायरेक्ट मतलब पावर यूज कर लिए हैं, तो 7.5 इसको क्या करते हैं, 1.5 से वो भी यूज कर सकते, पहले इसको एक्चुअल वर्क में निकाल सकते, लेकिन डायरेक्ट किलोवाट में इसको यूज कर लिए अपन, किलोवाट किलोवाट में, ये तो ये पावर ही है एक्चुअल वर्क इन किलोवाट। इसको यहाँ से आपको फाइंड हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 10 kW। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 kW, 10 kW। देखो इसमें कुछ स्टूडेंट क्या था, वही एक स्टेप एसेंट्रोपी कंप्रेसर वहीं पे लेके बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर मतलब गया वो, उसके बाद वहाँ से रिटर्न हो गया, जो कि इसका आंसर वो गलत है। फ्रेंड्स इसमें लगता है आपको कि इस क्वेश्चन में कुछ मतलब कुछ रॉन्ग है, या कुछ इस आपको आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो इसमें आपका
परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसका आंसर क्या निकला, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में इतना ही, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड, अब क्वेश्चन आएगा मेरे पास, उसका भी आंसर, उसका सोल्यूशन हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।